का सीक्रेट रूम बनकर तैयार है। गाइस मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और हॉन्टेड रूम बनाया लगता चप्पल एंट्री का किसका है भाई? आज मैं बनाने वाली हूँ अपने ही घर में फिर से एक सीक्रेट रूम, और इस बार मैंने अपनी शातिर बुद्धि का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। तो इसी बात पे आप लोग कमेंट में जल्दी से लिखना शुरू कर दो समी नोपी, क्योंकि जीतने वाली तो मैं ही हूँ इस बार। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सीक्रेट रूम बनने कहाँ वाला है इस बार। और हाँ, जैसे कि आपको पता हो कि हमेशा मेरे सीक्रेट रूम में मुझे मेरी बहन ढूंढती है, तो मैंने उसको अभी एक कमरे में बंद कर दिया है ताकि अपना सीक्रेट रूम आराम से बना सकूं। तो मेरा सीक्रेट रूम बनने वाला है मेरे इस बेड के अंदर। और गाइस मैंने इस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि आज ही मेरे घर में इस बेड के अंदर बहुत बहुत सारा सामान रखा गया है, वो भी उसके सामने जब वो देख रही थी बिल्कुल। और फिर तभी मैंने सोचा था कि सीक्रेट रूम तो बनाऊंगी अपने बेड के अंदर ही। तो गाइस चलो अब जल्दी से हम बेड को खोलते हैं, अपना बेड बनाते हैं, अपना रूम बनाते हैं, अपना सीक्रेट रूम तैयार करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमारा जो ये बेड है इसको उठाना बहुत बहुत बड़ा काम है जो कि हमने कर दिखाया है। गाइस मुझे ना पता नहीं, अब अंदर से डर भी लग रहा है कि मैंने ये गलत फैसला तो नहीं लिया कहीं, क्योंकि ना इसके अंदर जब मैं जाऊंगी तो मुझे अंदर बंद कर दिया जाएगा और मुझे ना इन सब चीजों से बहुत अजीब सा होता है, मुझे बहुत डर लगता है। आप लोगों को तो पता होगा कि मैं कितनी लूजर, यू आर अ लूजर। चुप, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस ऐसा। मैं आराम से इसके अंदर जाऊंगी और अभी हम बनाएंगे अपना अच्छा सा प्यारा सा घर। ये अभी आपको गंदा दिख रहा होगा ना, अभी मैं इसको सजा दूंगी बिल्कुल ऐसा। चलो भाई, और इसको सजाऊंगी मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं चुटकियों सजा देती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हमें खुद से ही सारा काम करना पड़ेगा। मैं तो थक गई भाई साहब। गाइस सबसे पहले तो इसके अंदर मैं पिलो डालूंगी क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी तक हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसमें बैठ पाऊंगी, ये बंद हो जाएगा। मैं निंजा हटौड़ी आ गया हूं। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। लैपटॉप भी ले ही जाती हूँ, क्या करूंगी अकेले अंदर बैठ कर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यूनिलाइट कैसे भूल सकती हूँ, अकेले तो अंदर में बहुत ज्यादा डर जाऊंगी, तो अपनी दोस्त को भी रख लेती हूँ। सामान तो सारा रख दिया, लेकिन अपनी बड़ी चीज कैसे भूल सकती हूँ, खाने को भी तो कुछ होना चाहिए यार। हाँ ये कर लो पहले। अरे 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 अरे, नहीं नहीं आना इसके अंदर बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं आओगी तुम। ये गड़बड़े बाबा। अरे भाई चुप हो जा, सातवीं फेल। वाह क्या सीन है, क्या सीन है। तो अब फाइनली मेरा सीक्रेट रूम बनकर तैयार है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गजब बेइज्जती है। तो गाइस अब मैं फुल सेट हूँ अपने यहाँ पर नए सीक्रेट रूम में, मेरे नए घर में। बस ये डंडा और ये डंडा ना होता तो बस मैं तो यहाँ पर फुल आराम करती, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो हमें सहना पड़ेगा यार, बेड के अंदर हूँ ना। चुप कर बे कुत्ते, तो इतना तो करना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, सीक्रेट रूम बनाने में इतनी मेहनत लग जाती है कि भाई भूख ही लग जाती है। तो हम खाएंगे कुछ अच्छा सा। गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपने न्यू वाला लेयर्स ट्राई किया। मैं नहीं बताऊंगा। और साथ ही में आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्या देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ अपना दुबई का ब्लॉग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। क्या कहा, आप लोगों को भी देखना है? नहीं। अरे रुको, आप लोग जाओ मेरे समीली ब्लॉग पे, मगर क्यों, मेरे ब्लॉग चैनल पे, और जाकर देखो मेरे दुबई के ब्लॉग जो कि अभी भी आ रहे हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने दुबई में क्या क्या किया, बहुत मजा आया है। तो जल्दी से जाकर जरूर देखना इस वीडियो के बाद। गाइस मुझे आप लोगों से पूछा था कि किस किस ने 2023 को वेस्ट किया है, कौन कौन 2024 को भी वेस्ट करने का सोच रहा है। अगले साल की खुशी में मैंने अपना कैलेंडर भी अभी ही बनवा लिया है, ये देखो। और वैसे आप लोग मुझे हैप्पी न्यू ईयर भी विश कर सकते हो। अच्छा हमको सिखा रही है, क्योंकि थोड़े दिनों में ही हमारा हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो आप लोग मुझे अभी ही बोल सकते हो ताकि मैं आप लोगों को भी रिप्लाई करूं और हैप्पी न्यू ईयर बोलूं। ठीक है। और गाइस वैसे भी मेरा मूड ना बहुत ऐसा है, ऐसा हैप्पी, समझ गया। लेकिन जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मेरा मूड ना कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा। ठीक है समझ गया। तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को ताकि मेरा मूड हो जाए ऐसा। बकवास बंद। तो गाइस अपना बहुत देर हो गई यार, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना उसको कॉल कर देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि निकल कर मुझे ढूंढ लो। और मैंने ये सोचा कि मैं उसको भी बोलूँ कि मुझे पूरी बिल्डिंग में ढूंढना है, कहीं भी हो सकती हूँ। तो उसका दिमाग ना बड़ी बड़ी चीजों पर जाएगा, छोटी छोटी चीज पर नहीं जाएगा, जैसे कि ये सब हो गया। और मुझे इस बार पता है कि मेरे 100% चांसेस है जीतने के, तो मैं तो जीत कर रहूंगी। हेलो, तो तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, और निकल जाओ अपनी काल कोठरी से और ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ मुझे। और हाँ यार, मेरे पास तुम
दो घंटे तीन घंटे के बाद कॉल कर रही हो। इतना चलता है यार, इतना करना पड़ेगा, टाइम लग गया थोड़ा सा। और सुनो, पूरी बिल्डिंग में कहीं भी हो सकती हूँ मैं, तो अब देख लो, ध्यान लगा लो। और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, निकाल लो। अरे यार ठीक है, चलो बेटा हारने के लिए रेडी रहो, मेरा टाइम चलना शुरू हो गया, चलो बाय बाय बाय। बेचारी गलत फहमी में जी रही है कि हार जाऊंगी मैं, जीतूंगी तो इस बार मैं ही। माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। औकात मेरे। अरे यार मत बंद करो। गाइस बंद हो गए। गाइस मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे हंसी भी आ रही है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर से कैसा लग रहा है ये सब कुछ। इतना डरावना लग रहा है यार मुझे, और सब कुछ सेट है, लेकिन अब हम बिल्कुल तैयार हैं। पता नहीं मैं मेरी वीडियो कैसी बन रही होगी, यहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा लग रहा होगा। ये देखो मैं अंदर बिल्कुल बंद हूँ। तो गाइस उसकी कॉल मुझे आई है पूरे 70 घंटे के बाद, और अब वो मुझे बोल रही है कि पूरी बिल्डिंग में मुझे ढूंढो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। बोले तो अपन की खोपड़ी में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भाई टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से निकलते हैं बस यहाँ से हम। गाइस मैं अंदर बिल्कुल बंद हो चुकी हूँ अभी, और मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, बहुत डरावना लग रहा है यार। उसने मुझे बोला था कि वो पूरी बिल्डिंग में है, तो सबसे पहले मैं पता है बाहर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाहर ही छुपी है, क्योंकि घर में छुपने की अब जगह बची नहीं है। मुझे लगता है वो यहाँ छुपी होगी। गाइस मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी जगह ही नहीं मेरे पास, वो शायद ढूंढने के लिए निकल चुकी है। ढूंढ के निकालूंगी भाई, चिड़िया तो कहीं भी छुपी रहे। मुझे इतना तो पता है कि वो यहाँ तक पहुँचने से रही, वो नहीं पहुँच पाएगी यहाँ पर, मैं अंदर बंद हूँ यार। मुझे लगा था कि वो लिफ्ट के अंदर ही छुपी होगी, लेकिन यहाँ लिफ्ट तो बंद है। अगर लिफ्ट के अंदर होगी तो वो लिफ्ट आ भी जाएगी। अब यार कहीं मैं एक सेकंड में ना पकड़ लूँ उसको। और मैं तो सोच रही हूँ कि यहाँ अंदर सो ही जाते हो, कि अब मैं क्या करूँ, मुझे पता है वो आएगी नहीं यहाँ पे। नहीं है भाई, मेरा पोपट हो गया यहाँ पे, वो यहाँ नहीं है इसके अंदर। चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे हो सकती है। खत्म हो गया भैया मैटर। गाइज मैं छत पे तो जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि छत पे हो रहा है काम और वो बंद है पूरा, ठीक है। तो वहाँ नहीं जा सकते तब पता भी हम नीचे निकलेंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है गाइज, बहुत बहुत उसको घुमाने में, ये हमेशा सोचती हूँ मैं घूमती हूँ इतना ज्यादा। भाई डर लग रहा है यार, एक तो रात को ढूंढ रही हूँ उसको, सच में हॉन्टेड रूम बनाया लगता है। बेचारी को इतनी सर्दी में पूरी बिल्डिंग घूमनी पड़ेगी, कि ढूंढना पड़ेगा भाई। डर लग रहा है सच में, यहाँ से तो निकलो, मुझे लगता बाहर है वो। यार वो यहाँ तो नहीं छुपी है, वो घर में ही छुपी हुई है 100%। गाइज ये बाहर तो मुझे मिली नहीं कहीं भी, तो मैं सबसे पहले चेक करने वाली हूँ अपना रूम, और यहाँ देखते हैं कि वो है या नहीं। इधर भी नहीं है तो यार मुझे नहीं लगता इसके अंदर भी है। हाँ यार कुछ छुपने की जगह बची नहीं। तो छुपी किधर है? नहीं है भाई इधर नहीं है, सोफे के पीछे भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। नहीं यार इधर नहीं है, बाहर ही छुपी है। बाहर जा चुकी है। तो मेरे हिसाब से एक बार हम स्टोर रूम चेक कर लेते हैं एक बार, और दोबारा तो शायद आएगी नहीं, या फिर आ भी सकती, पता नहीं। क्या पता यहाँ मिल जाए, पर यहाँ भी नहीं है। गाइस मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि मेरे YouTube पे हो गया है पूरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर, आपने देख रखा। ये देखो 10 मिलियन का मैंने डेकोरेशन किया था अपना, मजाक कर रही हूँ, सपनों में है ये। इस पर मैं चाहती हूँ कि मुझे तो वो पैसे भी ना पकड़े। नहीं है भाई यहाँ भी नहीं, किधर छुपी है यार, इसने तो बड़ा दिमाग लगाया, बोला पूरी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में तो नहीं हो सकती 2 बजे। यार कहीं इधर तो नहीं छुपी, क्योंकि वो कभी इधर नहीं छुपी है, तो इधर की साइड भी छुप सकती। वैसे हमारा एक खुफिया रूम भी है जो हमने आज तक नहीं खोला है, अगर आप लोग बोलोगे तो खोल दूंगी। मैंने बताया था मुझे इतना ज्यादा डर लगता है, सिर्फ बंद बंद मिलता, मैं पता नहीं कैसे इतनी देर तक अंदर रह रही हूँ। डर लग रहा है यार, मेरी तो खुद फट रही है 2 बजे रात को ढूंढते हुए। चप्पल एंट्री का किसका है भाई, कौन एंट्री कर रहा है इधर की साइड, चप्पल है, इधर तो कोई आता भी नहीं है। तेरे रूम में छुप सकती है यार। अलमीरा में इस वक्त सर्दियों में सिर्फ सर्दी के कपड़े के अलावा इंसान नहीं दिखेगा। कहाँ छुपी अम्मी आप जानती हो? पता सबको सब कुछ है, मेरे पीछे जो कैमरा मैन है ना उसको भी पता है, पर यहाँ पे कोई पोल नहीं खोलना चाहता, क्योंकि सब उसकी टीम में है, मेरे टीम में नहीं। अभी यार इस बालकनी में तो नहीं है। गाइस इधर भी नहीं है यार, किस जगह पे जाके छुपी हुई है ये लड़की, दिमाग खराब यार। वो तो यार तो मुझे उल्लू बना रही है यहाँ पे यार, मुझे बिल्कुल अब समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा कि वो छुपी किधर है। मतलब मैंने हर जगह, उधर तो मैं छुपी हुई थी, रूम मैंने सारे देख लिए, बिल्डिंग में तो है नहीं वो कहीं भी, लेकिन है कहाँ, छत का रास्ता बंद है, लेकिन छत पे हो ही नहीं सकती, और इतनी रात में वो इतनी बड़ी फट्टू इंसान तो कभी नहीं हो सकती है। 3 मिनट का टाइम है गाइस, ये तो नहीं देखा मैंने अभी तक, सच सच बता दे किधर छुपी है।
तो गया बेटे। ये बताएगी मुझे किधर है वो, बता बता बता। शीशे के अंदर, पर्दे के पीछे, इसके अंदर। करना क्या चाहती है ये, अपने साइज का समझ रही क्या उस मोटी को? यार मैं तो थक चुकी हूँ अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और मेरे पास अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और मेरा दिमाग अब हो चुका है खाली। तो एक काम करती हूँ, उसको ही जीतने देती हूँ। मुझे नहीं लगता गाइज इस बारी मैं उसको पकड़ पाऊंगी, क्योंकि अब तू गया बेटा। भाई ये तो इसके अंदर छुपी हुई है यार, से मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ला आ, 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 ओ भाई वुमेन जलवा है हमारा। ये भगवान क्या जुलुम है। मैंने इस बार बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं हारूंगी। ये मेरा सबसे वर्स्ट हार होगी, मतलब इतना आज के जैसा जितना बुरा मुझे कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि आज मेरा। गाइस मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको ढूंढ लिया। हमेशा की तरह विनर मैं ही हूँ। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि इस बारी मैं पकड़ी गई हूँ। और गाइस गलती मुझसे यहाँ ये हुई कि मैंने अम्मी का फोन लिया था इसको कॉल करने के लिए, और वो फोन अंदर ही रह गया और वो फोन में अलार्म बज गया यार इस टाइम पे। हमेशा की तरह मेरे ही इसमें नसीब में लिखा था कि बहजबीन तू जीत, समरीन हमेशा हारती है, लूजर समरीन। आप लोग बताओ गाइस कि मैं विनर हूँ या नहीं हूँ। मैंने आप शुरू में ही कहा था कि समरीन ओपी लिखना के लिए, तो बस अपने अगर लिखा होगा तो बस मैं ही विनर हूँ। मैंने अगर आपको कमेंट पढ़ लिया तो बस अब मेरे लिए मैं ही विनर हूँ, तुम कुछ भी नहीं। चलो खत्म। तो बस गाइस अगर आपको मेरी वीडियो लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हारी हूँ तो आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा मेरे लिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन है विनर। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।